तो गाइस आज हम क्रिएट करने वाले हैं महाशिवरात्रि स्पेशल 3D AI नेम इमेजेस, जिसमें शिव जी के साथ एक कैरेक्टर होगा और कैरेक्टर के टी शर्ट पर अपना नाम डाल सकते हो। तो इस तरह के इमेजेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो आप इस तरह के इमेज गर्ल्स एंड बॉय दोनों के लिए जनरेट कर सकते हो जस्ट वन टैप में। अगर आपको भी बिल्कुल इस तरह के इमेज जनरेट करने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको सिंपली अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। तो अब आपको यहाँ से गूगल को ओपन कर लेना है। तो आप जैसे ही गूगल को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। तो आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हो तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो चुकी हैं। तो अब आपको सिंपली यहाँ पर बिंग की जो फर्स्ट वेबसाइट है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाल देना है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डाल दिया है। तो अब आपको इस प्रॉम्प्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर जो मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप इसे पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा। तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो। अब आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोडिंग हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम का वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो कितने अच्छे से जनरेट हो चुके हैं, जो कि देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। तो अब आपको सिंपली इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। तो आपको जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन मिल जाता है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है। तो आप इसी तरीके से सभी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो अब सवाल आता है गर्ल्स इस तरह के इमेज कैसे जनरेट कर सकती हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट पे आ जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ बॉय लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली बॉय को हटा देना है और आपको यहाँ पर गर्ल लिख लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गर्ल लिख लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली इसे हटा देना है और आपको यहाँ पर सी कर देना है। आपको सिंपली यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इसको आपको डिलीट कर देना है और आपको यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी नाम से आप इमेज जनरेट कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक नाम सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सिंपली फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारे जो इमेज है वो कितने अच्छे से जनरेट हो चुके हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी औसम लग रहे हैं। तो आपको सिंपली इन इमेजेस को भी डाउनलोड कर लेना है। तो आपको सिंपली वही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपको सिंपली इसको लॉन्ग प्रेस करना है जिस भी इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हो। अब आपको यहाँ से डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो इमेज है डाउनलोड हो चुका है। तो आप इसी तरह सभी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इन दोनों प्रॉम्प्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इजीली कॉपी कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।